आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया सीए नीरज शर्मा जी को, जो कि जीएसटी एक्सपर्ट है, ठीक है ना। आज हम आपसे सर पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बड़े टफ है। क्वेश्चन है रियल इस्टेट पर। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई घर कहाँ पर खरीदे, कैसे खरीदे, जीएसटी कैसे लगता है, किस रेट से लगता है। और अगर हमारा कोई क्लाइंट बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, उसके केस में उसे आईटीसी कब मिलता है, कब नहीं मिलता, किन चीज़ों का मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए सर, अगर हम रूरल एरियाज में हैं जी, या फिर अर्बन एरियाज में हैं जी, मेट्रोपोलिटन सिटी या नॉन मेट्रोपोलिटन सिटी में जी, तो अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो हम वो घर खरीद सकते हैं जिसका कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर्स तक है, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर वहीं हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो स्क्वायर मीटर घटकर 60 तक रह जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो घर की प्राइस रहेगी, ठीक है, वो बिल्डर आपसे 45 लाख रुपीज से ज़्यादा चार्ज ना करे, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर जीएसटी का बर्डन ना आए, तो ऐसा फ्लैट खरीदना जो 45 लाख रुपए का हो। 45 लाख मतलब रजिस्ट्री वैल्यू, चाहे आप कैश में उसे 50 लाख दे, कुछ भी दे, लेकिन रजिस्ट्री वैल्यू 45 लाख। और अगर आप शहर के अंदर खरीद रहे हो तो भाई वहां पर वो कह रहा है कि 60 स्क्वायर, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, ठीक है। अगर आप शहर से थोड़ा दूर खरीद रहे हो तो वहां पर वो कह रहा है 90 स्क्वायर मीटर तक का भी खरीद लेना। इसे हम बोलते हैं रेजिडेंशियल अफोर्डेबल हाउस, ठीक है, जो प्रधानमंत्री विकास योजना के अंदर आई थिंक आती है, पीएमएवाई के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 1% ही आपको टैक्स देना है। तो ये जो 1% टैक्स है, ये बिल्डर हमसे लेगा सर या कैसे करेगा? हाँ, बिल्डर अब 1% चार्ज करेगा। तो बिल्डर हमसे 1% लेगा, तो 1% इसका मतलब कोई ज्यादा नहीं है। मतलब अगर आपने 45 लाख का घर खरीदा तो 45,000 रुपए आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई कस्टमर के एंड पे। सर ये सारी कहानी है रेजिडेंशियल हाउस की, अभी हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑफिस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन सर ये है कि अगर बिल्डर इस घर को बना रहा है तो उस घर को बनाने में उसका ईंट, रोड़ी, डस्ट, सीमेंट, बदरपुर, पता नहीं कितनी चीज़ें लग रही है, अब उसे आईटीसी मिलेगा, किनका मिलेगा, किनका नहीं मिलेगा, ये बता दीजिए। सर इस स्कीम का जो एक डेवलपर के लिए जो अगर दिक्कत मैं कहूँ तो यही है, वो इनपुट नहीं ले पाएंगे। ओके, इसमें कुछ भी सामान अगर वो खरीदें ओके, तो इनपुट वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई ये बात आपको समझनी है कि अगर आपका क्लाइंट कोई डेवलपर बिल्डर है तो आप उसे बोल दो भाई 1% तुम्हें टैक्स देना है, हाँ, तो आप इनपुट नहीं ले पाओगे, इनपुट नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1% टैक्स ही है, कंपोजिशन की तरह रेट हो गया ये तो, हाँ, कंपोजिशन की तरह ही रेट हो गया, तो हम तुम्हें इनपुट नहीं देंगे। अब सर इसमें मुद्दा ही आता है कि बिल्डर ये भी सोच सकता है कि जब हमारे को इनपुट नहीं मिल रहा तो ऐसा करो अनरजिस्टर्ड से खरीदो। नहीं सर, ईट, रोड़ी, डस्ट, बदरपुर, अनरजिस्टर्ड से खरीदो, उसके लिए एक कंडीशन डाली गई है। अच्छा, क्या? जो कि टोटल सामान जितना भी परचेज होगा बिल्डिंग के लिए, ठीक है, उसमें से 80% मिनिमम रजिस्टर्ड सेलर से आपको खरीदना पड़ेगा। ओहो, तो अब यहाँ पर इस बात को समझ लो कि सेक्शन 9(4) के अंदर इन्होंने ये चीज बोल दी कि भाई जो भी बिल्डर्स वगैरह, ठीक है, कोई घर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जितना भी मटेरियल लगेगा 80% तुम्हें रजिस्टर्ड से खरीदना पड़ेगा, रजिस्टर्ड लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रोड पे गए, ट्रक रोका, ईंट वाला आ जा भाई, आ जा ईंट दे दे, ट्रक रोका, ठीक है, रोड़ी डस्ट वाला आ जा भाई, आ जा दे दे, आपको ऐसा नहीं कर सकते। आपको रजिस्टर्ड लोगों से 80% खरीदना पड़ेगा, 20% आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। और अगर कम रह जाता है जी जी, तो वो उनको रिवर्स चार्ज में पे करना। अच्छा, अब कई लोग बिल्डर ये कह सकते हैं कि सर मेरा तो ठेकेदार भी अनरजिस्टर्ड है, हाँ, क्योंकि इसमें ठेकेदार का भी तो खर्चा आता होगा, लेबर वगैरह, वो कह देगा भाई साहब मेरा तो ठेकेदार भी अनरजिस्टर्ड है, लेबर लाता हूँ मैं तो चौक पे से पकड़ के मजदूरों से को, ठीक है, उनसे काम करवाता हूँ, ठीक है, और कई बार तो मैं क्या कहते हैं ईट, रोड़ी, डस्ट ऐसे ही चलते हुए खरीद लेता हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा खरीदो 20% तक खरीदना बस, खुद, हाँ, उससे ज्यादा खरीदते हो तो खुद की जेब से फिर आरसीएम अपना जमा करो और आईटीसी तुम्हें मिलना ही वाला नहीं, हाँ, है, हाँ, ठीक है, मिलेगा। और अच्छा, इसमें एक सीमेंट वगैरह, सीमेंट का झंझट है क्या है वो भी बता दो। सीमेंट का ये है सर, अगर वो 20% वाली लिमिट में से ऊपर होते हैं, हाँ, तो सीमेंट वाला है कि 28% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, अदर पे वही एप्लीकेबल रेट के हिसाब से आरसीएम आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीमेंट वगैरह पे आपको 28% अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीदते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, तो आप हमेशा सीमेंट वगैरह तो रजिस्टर्ड से ही खरीदना, हाँ, ये तो जनरली रजिस्टर्ड से मिल भी जाता है,
सीमेंट वगैरह वाले सारे रजिस्टर्ड ही होते हैं, तो आप ऐसे चलते फिरते से मत खरीदो, ठीक है, रजिस्टर्ड से ही खरीदना चाहिए। हाँ। सर इसके अंदर और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? इसके अंदर सर मेन तो यही सारे पॉइंट्स है सर, बस एक चीज और है कि जो एरिया टोटल है उसमें 15% से ज्यादा 15% से ज्यादा कमर्शियल स्पेस ना हो उस बिल्डिंग के। अच्छा, तो अब ये ध्यान रख लेना, जहां भी फ्लैट खरीदने जा रहे हो उससे पूछ लेना कि भाई ये तुम इसमें कमर्शियल कह रहे हो, मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 15% से ज्यादा होगा तो आई थिंक तुम्हारे फ्लैट के जो जीएसटी लगना उसका भी रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सर कुछ और ध्यान रखना? लास्ट बस एक चीज ये है, जो 80% जो लिमिट है, हाँ, जो बिल्डर के लिए एप्लीकेबल है, उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ चीज एक्सक्लूड की गई है। ओके, जैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, हाँ, फ्यूल वगैरह यूज होता है, ठीक है, और लीज का जो कॉस्ट होती है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये कुछ एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो एक्सक्लूड की। हाँ, तो अब आप समझ लो, अगर 1 करोड़ रुपए आपका खर्चा है और 10 लाख रुपए का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का है, डीजल का है, तो अब आपको जो 80% की कैलकुलेशन होगी वो 90 लाख पर होगी, ठीक है, वो 1 करोड़ पर नहीं होगी। हाँ। तो आप घर खरीदते समय इन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर आपका क्लाइंट कोई इस तरह का है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्लाइंट से 9-4 के अंदर आरसीएम जमा करा दो, नहीं तो पता चले इंटरेस्ट पेनल्टी आपको लग जाए। सर और कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं सर, ये इसकी मतलब एक्सक्लूसिव लिस्ट है। तो सर एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार की मैगजीन लेना मत भूलना, आज सुबह ही मैंने 8 नोटिफिकेशन आई है जीएसटी में, उस पर डिटेल वीडियो बनाई है, सारी डिटेल मैगजीन के अंदर हम देंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।